हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल कम्बाइंड में। जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा थंबनेल कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021, जो आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म कर दी गई है कि इतने से इतने के समथिंग होगा आपका एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आपकी डेट कौन सी है और फॉर्म कितने फिल करे गए हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करें पूरा वीडियो देखें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और हम आज आपसे मैथ के कुछ मतलब मैथ के जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे कुछ, उसमें भी आज हम बात करेंगे आपसे। तो आई होप कि आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लें। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 60 से 63 दिन के समथिंग आएगा आपका, तो देख लीजिए। हम आप देखिए, तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि इसकी जो डेट है वो कितनी बताई गई है। तो जो आपने जीडी का फॉर्म डाला है तो वो देखो, 4 नंबर में कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, ये देखिए, तो यही है जीडी वाला। तो ये आपकी जो CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और किस तारीख से कितने तक का होगा। तो ये लिखा है 16 से 15, 16/11/2021 से 15/12/2021 तक, यानी आपका एग्ज़ाम 16 से चालू हो जाएगा 16 नवंबर से, ठीक है, और 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर देखा जाए तो टाइम की ड्यूरेशन समथिंग 60 से 63 दिन के समथिंग आएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छी करें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके मैथ के जो टॉपिक है उसमें किस टॉपिक से कितने नंबर का वेटेज रहेगा। तो आप बिना स्किप किए देख लीजिए वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समथिंग 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, रेशियो से 2 से 3, प्रॉफिट एंड लॉस इससे 4 से 5 क्वेश्चन, यानी आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का वेटेज है उसका 4 से 5 क्वेश्चन का है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 मिनिमम, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप। इंटरेस्ट इससे 2 से 3 क्वेश्चन, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एवरेज, एवरेज से 2 से 3, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज, परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट परसेंटेज हो गया, इसके बाद रेशियो एंड टाइम, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन में तो 2D एंड 3D, अब मेंसुरेशन केवल कर दिया तो अब ये 2D से पूछ लें या 3D से पूछ लें इसका कोई वो नहीं है, बट आप अपने टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन से टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है। तो अब हम आपसे बात करते हैं कि कुल जो फॉर्म है वो कितने फिल किए गए हैं। तो आपके कुल फॉर्म 72 लाख के समथिंग भरे गए हैं, 72 लाख या 72 हज़ार देखना पड़ेगा, तो इसी के समथिंग भरे गए हैं। तो आप अपनी तैयारी को देख लीजिए। अगर आप अभी भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, जीएस से ज़्यादा आप रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देना, और सिलेबस हम आपको बता दें, देख लें सिलेबस में क्या कितने नंबर का क्वेश्चन कौन सा आता है।
तो सिलेबस ये मैंने सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड की है, तो सिलेबस आप देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी लिखा है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आपके एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर देखो, 100 क्वेश्चन होंगे, कैरी मार्क्स 100 नंबर और 90 मिनट का टाइम होगा। सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो देख लिए, देखिए फर्स्ट ए यानी पार्ट ए में क्या है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ये आपका हो जाएगा। बी में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये हो जाएगा 25 नंबर का। सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यही जो अर्थमेटिक होती है उसी का ये, ठीक है, अर्थमेटिक एडवांस। और इसमें आपके इंग्लिश हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के। इसमें से आपको चूज़ करना होगा आप इंग्लिश ले रहे हैं या हिंदी। आपने जो मतलब उसमें ऑप्शनल होगा तो आप देख लीजिए आपको क्या, अगर हिंदी आप अगर पढ़ चुके तो आप हिंदी ले लेना, इंग्लिश तो इंग्लिश ले लेना। तो इसमें टोटल जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो इसका रहेगा 90 मिनट, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसमें एक बात और बता दे रहे हैं कि इसमें मेंशन किया गया है कि निगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग ज़रूर होगी। देखिए कितने की है, निगेटिव मार्किंग जो है वो है, निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, आप ये ज़रूर याद रखें। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरा वीडियो। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से 60 से 65 दिन है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए कि इस बार कैसे भी आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर निकालें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो जैसे कोई एग्ज़ाम का या कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।